अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरी से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, तो इस सिलसिला में हमने जो है एक सोसाइटी का आगाज़ किया है जिसका नाम है मोहम्मद आरफ शहीद वेलफेयर सोसाइटी। इसमें हमने क्या करना है, आपको पता है मुल्क में लॉकडाउन है जिसकी वजह से गरीब तबका जो कि रोज़ दिहाड़ी पर जाता है और अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी कोशिश करनी है अपनी हैसियत के मुताबिक कि उन तक राशन पहुंचाएं ताकि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। इस वेलफेयर सोसाइटी में हमारे साथ जितने भी भाइयों ने हमारी मदद की है, हमारा साथ दिया है, अल्लाह उनकी इस मदद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको इसकी जजाय खैर ज़रूर दें। तो अभी मैं जा रहा हूँ राशन लेने, भाई मेरे पहले स्टोर पर मौजूद हैं, उन्होंने राशन ले लिया होगा, अभी मैं वो जा रहा हूँ उठाने और फिर जो है जितने भी हमें जो घर पता हैं उन तक हम जो है वो राशन पहुंचाएंगे ताकि वो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकें। ये वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आप इस वीडियो को देखें और अगर आपके घर के आसपास या आपके गांव में आपके शहर में कोई भी गरीब तबका है, आप इतनी हैसियत रखते हैं कि उनकी मदद कर सकें, तो खुदारा उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इन हालात में हमने ही उनकी मदद करनी है, वो हमारे भाई हैं, तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। और अगर आपके पास ऐसे नहीं भी हैं तो आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में ऐड मिलेगा, उस पर हमारे नंबर दिए गए हैं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो उन पर जो है आप जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक आप मदद करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। हम अपनी ईमानदारी से आपका वो जो भी आप देंगे वो हम जो है गरीब तबका तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अभी मैं राशन लेने जा रहा हूँ, तो चलिए फिर अभी चलते हैं। ये आप बाज़ार भी देख सकते हैं, सारा बाज़ार बंद है। ये फतेहपुर का मेन बाज़ार है जहाँ पर रश होता है, लेकिन आज पास देख सकते हैं कि बहुत ही लोग कम हैं, ना होने के बराबर हैं। चंद एक दुकानें खुली हुई हैं, वो भी राशन वाली, बाकी तकरीबन सारी बंद है। ये एक दुकान खुली हुई है राशन वाली और चंद एक मेडिकल स्टोर हैं, वो भी खुले हुए हैं, बाकी तकरीबन सारा बाज़ार जो है वो बंद है। ए वाली जगह रख दो ना, इतने अगे सीट दे रख दो, एक मिनट लॉक, एक मिनट रहने दे, जे जे समान है चाबी नहीं निकाला, खोल दो।
हो गया कंप्लीट। अच्छा भाई, ये कंप्लीट पैकेज जो है ये बता दें, एक पैकेट में क्या कुछ है? ये इसमें चीनी है और चीनी के साथ इसमें हमने घी डाला हुआ है, मिर्च है, इसके बाद साबुन है और साबुन के साथ साथ दालें वगैरह। अच्छा, घी, साबुन, दालें, हल्दी, मिर्च और चीनी वगैरह, उसके साथ आटा भी है। आटा भी है, ये कंप्लीट पैकेज है। सही हो गया। जी भाई, अभी यहाँ पर ही पैकेज बना रहे हैं, स्टोर में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी तो वहाँ पर हमने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी जो है हमारे पैकेज जो है वो सारे तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने का मकसद है कि अगर आपके इर्द गिर्द हमारे ऐसे भाई हैं जो कि लॉकडाउन की वजह से मजदूरी पर नहीं जा सकते, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। और इसके अलावा बगैर किसी काम के घर से बाहर ना जाएं, हाथों को साबुन के साथ बार बार धोएं, मास्क यूज़ करें और इसके अलावा नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, ये जो आफत आई हुई है इसका खात्मा हो जाए और अल्लाह ताला पूरी दुनिया और पाकिस्तान को जो है इससे महफूज रखे। और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल करें। और जिन भाइयों ने हमारा इसमें साथ दिया है, अल्लाह उनका साथ देना कबूल करें। और इसके अलावा अगर आप हमसे रابطہ करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में हमारे नंबर मिल जाएंगे, आप हमसे رابطہ कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़िंदगी ने वफा की, अल्लाह हाफिज़।